हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा फोर्थ सेशन है जिसमें हम लोग एवरेज मिक्सचर एलिगेशन के कैट 2022 में आए हुए क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप खुद देख लो कि यार ये जो एवरेज मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक है इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे। मतलब मैं देख रहा था अराउंड 8-6 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, तो दो क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। इसके बाद भी शायद एक या दो क्वेश्चन बचता है। ठीक है, हाँ, तो मतलब 8-9 क्वेश्चन थे सिर्फ इस टॉपिक से। मतलब तीनों स्लॉट्स में आउट ऑफ 66 क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन आर ओनली फ्रॉम एवरेज मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो इट मीन्स हमें अगर कैट 23 या हम आने वाले कैट को टारगेट कर रहे हैं तो हमें ये वाला टॉपिक थोड़ा अच्छी तरह पढ़ के जाना है। ये हुआ, परसेंटेजेस हुआ, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क हुआ, यही तो आता है क्वेश्चंस एग्जाम में, यही टॉपिक से आएंगे। ठीक है, चलो, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं। ये रहा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन, एक बार हम इसको रीड करेंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट इजिली सॉल्व हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, देखते हैं जरा। वीडियो पोज करके आप लोग खुद सॉल्व किया करो, फिर ना हो तो फिर वीडियो सॉल्यूशन देख लिया करो। ठीक है, कैट 2022 का स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है देयर आर टू कंटेनर्स ऑफ द सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है यानी कि दोनों की क्वांटिटी सेम है। फर्स्ट कंटेनर हाफ फिल्ड विद शुगर सिरप एंड द सेकंड कंटेनर हाफ फिल्ड विद मिल्क। ठीक है, जो हमारा कंटेनर 1 है और कंटेनर 2 है, देयर आर टू कंटेनर्स। तो फर्स्ट कंटेनर हाफ फिल्ड विद शुगर सिरप, जो पहला कंटेनर है वो हाफ फिल्ड है शुगर सिरप से। ठीक है, तो मतलब इसमें शुगर सिरप होगा और बाकी कुछ और होगा, मुझे मालूम नहीं है, बट ये हाफ फिल्ड है तो 1:1 का रेशो है। ठीक है, 1 शुगर सिरप है तो बाकी कुछ और होगा। ठीक है, एंड द सेकंड कंटेनर हाफ फिल्ड विद मिल्क, जो सेकंड कंटेनर है उसमें मिल्क है और बाकी और कुछ होगा, वो हाफ फिल्ड है तो वहां पर मिल्क और बाकी जो दूसरी चीज है उसका रेशो 1:1 होगा। ये बात समझ में आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरी चीज कुछ है ही नहीं, अदरवाइज वो मेंशन करता। ठीक है, दूसरी चीज कुछ है ही नहीं अदरवाइज वो मेंशन करता। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करूंगा। मान लो पहले वाला जो कंटेनर है ये वो कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में ये हाफ फिल्ड है शुगर सिरप से। ठीक है, तो मान लो यहां पर 1 शुगर सिरप है और ये वाला जो कंटेनर है इसमें क्या है, शुगर सिरप है। ध्यान रखना, बस यहां पर ये ध्यान रखना शुगर सिरप है क्योंकि कंफ्यूजन नहीं चाहिए। और यहां पर ध्यान रखना ये क्या है, हमारे पास मिल्क है। ठीक है, सेकंड कंटेनर हाफ फिल्ड विद मिल्क, तो इसमें मान लो 1 मिल्क है और दोनों का जो वॉल्यूम है ना वो 2:2 मान लेते हैं। ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम भी ओवरऑल 2 लीटर है, ये भी ओवरऑल 2 लीटर है। ये हाफ फिल्ड है यानी कि इसमें फिलहाल 1 लीटर शुगर सिरप पड़ा हुआ है, इसमें 1 लीटर मिल्क पड़ा हुआ है। ये बात सॉर्टेड है कि इसमें क्या है। आई थिंक शुरू की जो 2 लाइनें क्वेश्चन के वो क्लियर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर का आधा कंटेंट इज ट्रांसफर्ड टू द सेकंड कंटेनर। तो इसका आधा कंटेंट यानी कि इसमें शुगर सिर्फ 1 था, तो जब आधा कंटेंट में इसका इधर ट्रांसफर कर रहा हूं तो इसमें से आधा शुगर सिरप निकल जाएगा ना, तो यहां पर शुगर सिरप कितना बचेगा, सिर्फ आधा बचेगा। और ये आधा शुगर सिरप इधर शिफ्ट हो गया तो इस वाले में मिल्क भी है और शुगर सिरप भी आ गया। मिल्क 1 है और शुगर सिरप कितना आ गया, 1/2। ये बात समझ में आ गई, मिल्क यहां पर 1 है और शुगर सिरप कितना है, 1/2। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, फिर हमें क्या बोला जा रहा है, इतनी बातें क्लियर है, इसमें से आधा कंटेंट हम लोगों ने इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आगे देखो क्या बोला जा रहा है, एंड देन द हाफ ऑफ दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर का हाफ, एंड हाफ ऑफ दिस मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड बैक टू द फर्स्ट कंटेनर। अब इसका आधा पार्ट हमने दोबारा से फर्स्ट कंटेनर में डाल दिया। अगर आप इसका आधा पार्ट बाहर निकाल रहे हो ना तो मिल्क भी आधा निकलेगा, मिल्क आधा निकलेगा, शुगर सिर्फ 1/2 था वो भी 1/2 का, 1/2 का आधा कितना होगा, 1/4 होगा। तो यहां पर शुगर सिर्फ पहले 1/2 बचा था, इसका आधा पार्ट इधर आने लग रहा है, इस पूरे का हाफ इधर आने लग रहा है। ठीक है, तो 1 का हाफ कितना होता है, 1/2 होता है, तो मिल्क यहां पर हो गया 1/2, शुगर सिरप पहले 1/2 बचा था, 1/2 का हाफ 1/4 अब और आ गया, तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, 3/4। अब यहां पर हमारे पास शुगर सिरप हो गया और मिल्क कितना है, 1/2। ठीक है, और यहां से मिल्क आधा गया तो रिमेनिंग मिल्क कितना है, 1/2, और 1/2 में से 1/4 शुगर सिरप इधर चला गया, तो रिमेनिंग, ये रिमेनिंग लिखा है मैंने, ये मतलब आधा जाने के बाद ना इधर जो बचा है वो ये रहा, मिल्क कितना बचा, 1/2, शुगर सिरप कितना बचा, 1/4, आधा इधर शिफ्ट होने के बाद ये बचा हमारे पास। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है हम लोगों को, यहां तक मैंने कर लिया, देखो क्वेश्चन ये यहां तक मैंने कर लिया, हाफ ऑफ दिस मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड बैक टू द फर्स्ट कंटेनर। नाउ नेक्स्ट हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर, अब फर्स्ट कंटेनर ये है, इसका हाफ कंटेंट
इज ट्रांसफर्ड बैक टू द सेकंड कंटेनर. अब इसका आधा पार्ट इधर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसको इधर लिख लो, मिल्क और शुगर सिरप. मिल्क कितना था हमारे पास, 1/2 था. शुगर सिरप कितना था, 1/4. फिलहाल यहां पे हमारे पास मिल्क कितना है, 1/2. शुगर सिरप कितना है, 3/4. इसका आधा पार्ट इधर ले जाया जा रहा है कंटेनर टू में. तो 1/2 का आधा, 1/2 का आधा कितना होगा, 1/4. तो 1/4 मिल्क और आ जाएगा. 3/4 का आधा कितना होगा, 3/8. 3/8 शुगर सिरप और आ जाएगा. इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, इनको ऐड करना, 1/4 ये बन जाएगा हमारे पास 3/4, और ये बन जाएगा 4 × 2 = 8. 2 से ऊपर करा, ये आ जाएगा 5/8. 5/8 मेरे पास आ गया शुगर सिरप. शुगर सिरप 5/8 और मिल्क कितना आ गया, 3/4. ये बात समझ में आ गई क्या? मतलब सेकंड कंटेनर में मिल्क 3/4 है, शुगर सिरप 5/8 है. मुझसे क्या पूछा जा रहा है, जरा ये देख लेते हैं. रेशियो ऑफ शुगर सिरप एंड मिल्क इन द सेकंड कंटेनर. शुगर सिरप और मिल्क का रेशियो पूछा जा रहा है, यानी कि शुगर सिरप को ऊपर लिखना है और मिल्क को नीचे रखना है. तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, शुगर सिरप कितना है, 5/8 है, और ये कितना है हमारे पास, 3/4 है. तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, 5/6 आएगा आंसर. शुगर सिरप और हमारे पास मिल्क का जो रेशो आ रहा है वो 5/6 आ रहा है, क्योंकि शुगर सिरप को ऊपर रखना है. ठीक है, ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का. ठीक है, अगर मैं इनिशियली इसका क्वांटिटी 8 मान लेता ना, तो मेरे लिए थोड़ा आसान पड़ जाता, क्योंकि बार बार हाफ किया जा रहा है उसका. अगर मैं थोड़ा हाफ हाफ देख लेता ना, तो अगर आप 8 मान लेते ना इनिशियली, कि इसका क्वांटिटी 8 मान लेते हैं, मतलब पहले वाले का क्वांटिटी 8 मान लिया, इसका भी क्वांटिटी 8 मान लिया, 8 का आधा इसमें शुगर सिरप कितना है, 4 होगा, इसमें मिल्क कितना है, 4 होगा. अब इसका आधा इधर ले जाया गया, तो हमारे पास मिल्क 4 था, शुगर सिरप कितना आ गया, इधर से 2 आ गया. फिर यहां से आधा इधर ले जाया गया, तो मिल्क का हाफ करो, 2 मिल्क इधर आ जाएगा. ठीक है, और इसका 1 इधर आ गया, ये तो इधर यहां पे मिल्क कितना हो गया, 2, शुगर सिरप हो गया 5, तो 2 और 5. अब इसका आधा इधर ले जाया जा रहा है, तो 4 में से 1 इधर गया था ना, तो इधर 3 बचा था. 2 में से 4 में से 2 इधर गया था, तो हमारे पास इधर 2 बचा था, रिमेनिंग लिख लो 2 और इधर 1. अब इसका आधा उधर ले जाया जा रहा है, तो मिल्क 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा, एंड हमारे पास 5 का आधा कितना होता है, 2.5, तो 2.5 इधर आ जाएगा. ये आ रहा है 3 और ये आ रहा है 3.5, है ना, ये आ रहा है 3 और ये आ रहा है 3.5. ये शुगर सिरप है हमारे पास और ये हमारे पास मिल्क है. ठीक है, आई थिंक सही किया होगा मैंने, 4 माना, 4 में से हाफ ले जा रहा हूं इधर. ठीक है, यस, एंड 2 उधर जाएगा, शुगर सिरप मिल्क इधर 4, फिर इसका आधा इधर आ रहा है, 4 का आधा 2 इधर आ गया मिल्क, 2 का आधा 1, तो इधर हमारे पास ये आधा उधर चला गया था ना, 3 आएगा ये, दिस वॉज 3, क्योंकि 4 में से 2 उधर चला गया, तो रिमेनिंग तो 2 ही बचा ना, और फिर 1 वापस आ गया, तो 3, फिर इस 3 में से आधा उधर जा रहा है, तो 1.5 आएगा, विच इज 2.5 हमारे पास शुगर सिरप है, मिल्क है, तो शुगर सिरप और मिल्क का रेशियो कितना आ रहा है, 2.5/3, विच इज ऑल्सो 5/6. मतलब थोड़ा 8 मान के, अब ये 8 मानने का सपना कैसे आया, क्योंकि 3 बार हाफ हुआ है, हाफ हाफ हाफ, तो 2^3 कितना होता है, 8. इस तरह से सोच सकते हो. वैसे तो इन नंबर्स को ऐड करने में इतने कॉम्प्लिकेशंस आने नहीं चाहिए, कि 1/2 + 1/4 कितना होता है, सभी को पता है 3/4 होता है. ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था. इसी के जैसा एक और क्वेश्चन आया था, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास स्लॉट 2 में आया था, एक क्वेश्चन स्लॉट 3 में आया था, ये वाला क्वेश्चन स्लॉट 3 का है. इसको देखो जरा, अ ग्लास कंटेन 500 सीसी ऑफ मिल्क एंड अ कप कंटेन 500 सीसी ऑफ वाटर. एक ग्लास है और एक कप है, इसमें क्या है, 500 सीसी मिल्क है. ठीक है, इसमें मिल्क है और इसमें क्या है हमारे पास, वाटर है. कितना है, 500, और इधर भी कितना है, 500. फ्रॉम द ग्लास 150 सीसी ऑफ मिल्क इज ट्रांसफर टू द कप. इसमें से 150 बाहर निकाल दो, तो कितना बचा हमारे पास, 350 बचा. ये 150 उधर चला गया, तो वाटर था, मिल्क आ गया हमारे पास 150. ठीक है, इज ट्रांसफर टू द कप एंड मिक्स थोरोली. नेक्स्ट, 150 सीसी ऑफ दिस मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कप टू द ग्लास. ठीक है, फ्रॉम द कप टू द ग्लास. अब इसमें से आपने 150 बाहर निकालना है. ठीक है, मतलब 650 में से 150 बाहर निकालना है. यहां पर वाटर और मिल्क का रेशियो कितना आ रहा है, देखो जरा, ये 10:3 आ रहा है. वाटर और मिल्क का रेशियो कितना आ रहा है, 10:3, है ना. वाटर और मिल्क का रेशियो कितना आ रहा है, 10:3. अगर वाटर 10 है तो मिल्क 3 है, वाटर 10 है तो मिल्क कितना है, 3 है. ठीक है, तो टोटल मिला के कितना है, 13. तो
तो यहां से 150 निकाल रहे हो ना, तो पता है वाटर कितना निकलेगा? वाटर निकलेगा 10/13 ऑफ 150, इतना वाटर बाहर निकल जाएगा। और मिल्क पता है कितना निकलेगा? थ्री पार्ट है मिल्क के, टोटल 13 में से ऑफ 150, इतना मिल्क बाहर निकलेगा, इतना वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, हाँ। और ये वाला पार्ट इधर आ गया, ठीक है, तो मिल्क, ये वाला मिल्क इधर आ जाएगा। ठीक है, अभी पूछा गया, जरा देख लेते हैं इसको, इधर लिख लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास, अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास, तो वाटर इतना आने लग रहा है ना, ये वाटर इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाटर इधर आ गया, विच इज 10/13 ऑफ 150, ये वाटर है। अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास एंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द कप, अमाउंट ऑफ मिल्क इन द कप, मिल्क कितना था हमारे पास? 150 था, 150 में से अगर इतना निकल गया, 150 में से अगर 3/13 पार्ट निकल गया तो कितना बचेगा? 10/13 पार्ट बचेगा ना, 13 में से 3 निकल गया तो 13 में से 10 बचा, 10/13 ऑफ 150 हमारे पास रिमेनिंग बचा, क्योंकि उसने पूछा है अमाउंट ऑफ मिल्क इन द कप एंड अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास। वैसे तो ये एक फिक्स पैटर्न है, इसमें हमेशा आंसर 1:1 आता है, कभी भी आप इधर से उधर ले गए और फिर इधर से इधर ला रहे हो इस चीज को, जितना आप इधर ले गए उतना इधर ला रहे हो, तो इधर पहले मिल्क था तो जितना इधर वाटर आया ना और उधर जितना मिल्क आया उनका रेशो 1:1 होगा हमेशा। इस केस में आपको 1:1 आंसर मार्क करना है, बस ध्यान रखना है कि क्वांटिटी सेम होना चाहिए। इधर से आप 150 सीसी ले गए हो, उधर से भी 150 सीसी ले गए हो। अब इधर इनिशियली क्या था? मिल्क, तो ग्लास में वाटर का रेशो पूछा हुआ है, ध्यान दो, अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास, इधर जो नया कंपोनेंट आया है वो वाटर आया है, और इधर हमारे पास वाटर ऑलरेडी था, इधर नया कंपोनेंट क्या है? मिल्क आया है, तो इधर तो वाटर और इधर मिल्क का रेशियो पूछेगा ना कभी भी, और अगर इक्वल क्वांटिटी ट्रांसफर की गई है 150 इधर फिर 150 इधर, तो हमेशा रेशियो 1:1 आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आप तुम सॉल्व भी करना चाहो तो वाटर कितना है 10/13 ऑफ 150, वाटर इधर आया और उधर हमारे पास मिल्क कितना है 150 में से 3/13 ऑफ 150 निकल गया, ये निकल के इधर आ गया था, ठीक है, तो उधर कितना बचा? अगर 13 में से 3 निकल गया तो 13 में से 10 बचा, 10/13 ऑफ 150 उधर रिमेनिंग है, तो इस इन दोनों का रेशियो कितना आएगा 10/13 ऑफ 150, तो हमारे पास वाटर इन द ग्लास, दिस इज वाटर इन द ग्लास एंड मिल्क इन द कप कितना है 10/13 ऑफ 150, तो ये रेशियो कितना आएगा हमारे पास 1:1, तो विच इज इन ऑप्शन सी, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन थर्ड में, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट टाइम से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि वी हैव टू कंटेनर्स, हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, ठीक है, इसमें मान लो हमारे पास वाटर है, इसमें हमारे पास मिल्क है, ठीक है, वाटर में से कुछ पार्ट मैंने इधर ले लिया और उतना ही पार्ट मैंने फिर इधर ले लिया। अब हमसे बोल रहा है इधर जो मिल्क आया है और इधर जो वाटर आया है, जो इधर मिल्क आ गया क्योंकि वाटर था इधर, इधर जो मिल्क आया और वाटर वाले में जो मिल्क वाले में जो वाटर आया है, उन दोनों का रेशियो कितना होगा? ध्यान रखना ऑपरेशन सेम होना चाहिए, पहले इतना कुछ क्वांटिटी इधर गया फिर कुछ क्वांटिटी मिलने के बाद इधर गया, तो रेशो आंसर 1:1, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, ये फिक्स पैटर्न है, वैसे आप सॉल्व भी करके देख सकते हो तब भी उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो मिक्सचर के क्वेश्चंस थे, ठीक है, सो दिस इज द लिंक ऑफ माय प्रोफ, अच्छा ये होमवर्क है, लिंक नहीं है, ये होमवर्क है, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये ठीक है मैं चाहता हूं एक बार आप लोग इसको सॉल्व करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टीटा क्वेश्चन है, हमारे कैट 2022 का ही है, स्लॉट में नेक्स्ट क्लास में मेंशन कर दूंगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है।